हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पंकज कुशवाहा। इस वीडियो में हम आपको मार्केटिंग से रिलेटेड पांच ऐसी टिप्स दूंगा, ठीक, जो कि हर एक बंदे को जो कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर करता हो चाहे वो हार्डवेयर करता हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर मार्केट में आप लोग देखते हैं कि शिकायतें आती रहती हैं कि वो सामान निकाल लेता है मेरा, या वो काम नहीं करता, या सामने जो आप लोगों ने देखा हो कि मोबाइल रिपेयरिंग के जो भी बंदे होते हैं वो अपना सब सामान ढक के काम करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पांच ऐसी ट्रिक्स दूंगा जो कि अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आपने ये 3 महीने या 2 महीने भी फॉलो कर ली मेरी ये बातें, तो आप यकीन मानिए आप उस मार्केट के बादशाह बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको काम भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है काम तो आता नहीं, आपने ट्रिक्स तो मेरी फॉलो की। तो पहली ट्रिक्स तो ये कि एक आप पोस्टर बनाइए इस तरीके का, वाइट प्लेस, ठीक है, और उस पर प्रिंट आउट करिए कि अपना मोबाइल जो है आप सामने बिल्कुल रिपेयर करा सकते हैं। जैसे कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप अपनी टेबल पे उसको उसी मोबाइल को खोलेंगे, ठीक है, और उसी मोबाइल को खोलेंगे और उसको दिखाएंगे ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि भैया इस मोबाइल को हम सामने खोलने के 100 रुपये या 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, आपके सामने ही मतलब कि मोबाइल को बनाएंगे, ठीक है, सामने बनाएंगे तो 100 रुपया मेरे जो है एक्स्ट्रा मेरे चार्ज लगेंगे, ठीक है। तो बंदा, कुछ लोग जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है या कुछ भी इस तरीके की बहाने करेंगे, लेकिन ये आपको फॉलो करना है, जो बंदा सामने बनवाना चाहेगा वो 100 रुपये देगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरी स्लिप जो आप लगाएंगे उसमें लिखाइएगा आप कि अर्जेंट बनवाने के 100 रुपये एक्स्ट्रा, अर्जेंट बनाने के एक्स्ट्रा। तो बंदा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा मोबाइल जो है सामने खुले, तो उनके लिए सामने का हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जेंट का सिस्टम है, मेरा अर्जेंट फ़ोन बनना चाहिए, ठीक है, तो वो आपके कहेंगे भैया ठीक है मेरा फ़ोन अर्जेंट बनाओ, मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको भी काम करने में अच्छा लगेगा और बंदे को भी ट्रस्ट रहेगा, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि भैया इसमें हम कुछ भी करें सामने बनाएंगे 100 रुपये लेंगे, ठीक है, और अर्जेंट बनाएंगे तो 100 रुपये लेंगे। तो उसमें अब आपका जो है जो बारगेनिंग वाला जो सिस्टम था ना, हिचकिच किचकिच वाला, वो काम ख़त्म हो गया जाके। तो ये दो टिप्स होगी। तीसरी टिप्स है कि मोबाइल का जब भी आप कोई भी पार्ट उसका खोलेंगे, उसके सामने डिस्प्ले है, बैटरी है, तो पक्के वाले जो मार्कर आता है उससे उस पर साइन करा लें, ठीक है, मदरबोर्ड पर अगर संभव हो सके तो साइन करा लें। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। बात बाकी वो जो है आईपी या पेट्रोल से बाद में साफ हो जाता है। तो ताकि जो आपके शॉप के बारे में अगर कोई बंदा अगर नेगेटिविटी भी फैलाता है कि वो चोरी कर लेता पार्ट्स की या कुछ ऐसे तरीके के आपकी प्रॉब्लमिंग जो है आपको बुलाता है, तो ये मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं कर सेंड करा लेना बंदे के। ट्रिक नंबर फोर। अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर कोई बंदा आपके पास मोबाइल का चार्जिंग जैक लगवाने के लिए आता है एंड्रॉयड का, चलिए ठीक, तो आप क्या कहते हैं 100 रुपये लगेंगे, 200 रुपये लगेंगे, ठीक है, कहता है ठीक है भैया डाल दो, अभी तक जो करते रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब बंदा चला गया, उसने मोबाइल को यूज़ किया 3 महीने 4 महीने, उसके बाद उसका फिर ख़राब हो गया, तो वो फिर बंदा आपके पास लेके आता है कि चार्जिंग जैक ख़राब हो गया, फिर आप कहते हो 100 रुपये जो हैं लगेंगे या 200 लगेंगे, आप डाल के रिपेयर कर देते हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ पॉइंटों में आप ऐसा करके देख सकते हो। हम ये नहीं कहते 100% इस चीज़ को अप्लाई करो, सिस्टम उससे बोलो कि सर ये 100 रुपये का मतलब पूरी मार्केट में लगता है और हम भी 100 रुपये का ही लगाते हैं, ठीक है, और अगर आप एक सिस्टम मेरे यहाँ का है, एक रजिस्टर बनाइए अपना, उसमें कह दो कि सर अगर इस मोबाइल के अंदर इसका IMEI नंबर और आपका नाम लिखा जाएगा और आपको 200 रुपये लगेंगे, तो कहेगा भैया 200 किस चीज़ के, तो 100 रुपये कह रहे, तो सर इसका सिस्टम ये है कि ये कनेक्टर इस मोबाइल का चाहे 2 बार ख़राब हो, चाहे 3 बार ख़राब हो, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार, अगर चार्जिंग जैक ख़राब होगा तो आपसे कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, अभी आपको 100 की जगह 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कस्टमर को भी, कुछ कस्टमर कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि आप पे जो है बंदे ट्रस्ट करेंगे कि भाई 4 बार में 5 बार भी ख़राब होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बन जाएगा मेरा। लेकिन आप समझिए कि आपका क्या गया, एक तो आपको 100 की जगह 200 मिल गए, क्योंकि अगर कोई कस्टमर से काम करवाता है 100 की जगह 200 मिल गए, ठीक है, कितनी बार ख़राब होगा, 3 बार या 4 बार ख़राब होगा, कस्टमर कहीं भाग पाएगा, वो नहीं भागेगा, वो आपके पास ही आएगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पे आपका उसका 100 रुपये जमा है 3 बार 4 बार का, और आपका क्या जाता है 5 या 10 5 रुपये कनेक्टर आता है, और जब वो आएगा तो उसकी मेंटेलिटी में क्या हो जाएगा कि वहाँ पे चलो कि यार बंदा बहुत अच्छा काम करता है, एक बार आपसे 100 के 150 लेगा 200 लेगा, लेकिन पूरा मोबाइल का ठेका ले लेता है। तो ये भी एक पॉइंट वाली बात है, ठीक है, तो इसको
सिस्टम करना है अपनी मार्केट बनाने के लिए, ठीक है। टिप नंबर 5 कि अक्सर 100 में से 90 दुकानदारों की यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है कि पेंच गायब होने की, कि अगर कोई मोबाइल आपके पास आता है उसमें अगर 12 पेंच लगे हैं तो उसमें से 11 या 12 या 10 या जो है उसमें कम होके ही जाएंगे। तो ये नहीं करना, सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ही डलता है। क्योंकि अगर आप मेरे यहाँ पे मोबाइल खुलवाया और मैंने उसको बंद किया, एक दो पेंच कम किए, मैं दूसरे के यहाँ पे गया, तो पहले ही कह देगा कस्टमर को, देखो भैया आपके मोबाइल में पेंच नहीं लगे, उसने पेंच निकाल लिया है, सबसे पहले आपको उच्योर बना देगा। तो आपको ये नहीं करना, आप एक्स्ट्रा पेंच खरीद लो और जो उसको बताओ कि भैया तुम्हारे नहीं लगे हम लगा के दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी नेगेटिव इफेक्ट जो है डालने वाली चीज़ों को दूर करिएगा। काम जो कर रहे हैं उसको भी करिए अपना, और जो मैंने जो ये ट्रिप्स बताई हैं 5, इनको भी आप इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।